ए मेरे कि जो भी सुनता है मेरे फन को दुआ देता है। माल और इज्जत और शोहरत तो खुदा देता है। कि जो भी सुनता है मेरे फन को दुआ देता है। माल और इज्जत और शोहरत तो खुदा देता है, शर्त इतनी है कि गुरूर आए ना दाना, वरना अजी ये नशा वो है जो कमजर्फ बना देता है। ये नशा हो है जो कमजर बना दे देता है। शर्त इतनी है मेरे फौरन, ये नशा है हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले साथ अल्लाह है कि हम कुरान वाले हमारे साथ अल्लाह है कि हम कुरान वाले हैं।
अल्लाह हेलो कुरान वाले भाई मेल माइक का क्या करें आप मेल माइक को बढ़ाओ सब बंद करो चलेगा मेन माइक का ख्याल अगर कोई तकलीफ हो रही है मेन माइक के लिए जब मैं बात करती हूँ तो आप मेन माइक को खुला करते हो अगर रिदम के लिए कोई प्रॉब्लम सब माइक बंद कर दो बस मेन माइक अकेला काफी है क्योंकि भाई गाने के मेन जान मेन माइक होता है क्या बात है हेलो चेक हेलो हेलो बहुत बहुत शुक्रिया क्वालिटी बनाओ इसमें थोड़ी और मॉनिटर में खोल दो आवाज हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं हमारे साथ अल्लाह है कि हम कुरान वाले हैं हमारे खून में शामिल है तवज्जो हमारे खून में शामिल है इस देश की मिट्टी ए क्या बात है हमें गद्दार ना मारे ना हम ईरान वाले हैं ना हम ईरान वाले हैं ना पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले ईरान वाले पाकिस्तान वाले हैं और हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियां अपनी हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियां अपनी कि हमें गद्दार ना कहना हमें गद्दार मत कहना हमें गद्दार मत कहना हम हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान वाले हमें गद्दार ना कहना 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 हिंदुस्तान कुर्बानियां अपनी तो हमें गद्दार मत कहना हमें गद्दार मत कहना कि हम हिंदुस्तान वाले हैं जोहर कानपुरी साहब फरमाते हैं कि फाकों में रह के काट दी ये जिंदगी मगर पीछे नहीं हटे कभी अपने उसूल से और दौलत के सामने कभी सजदा नहीं किया अजी हमने सबक लिया है हयात रसूल से हमने सबक लिया है
हयात रसूल से। तो आइए नाते पाक के चंद मिसरों पे खास तवज्जो चाहूंगी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। या रसूल अल्लाह, ये बात याद, दिल खुश होगा, दिल से दुआएं निकल दिया आपके लिए भी। या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, के नबी के चाहने वालों पे आफत आ नहीं सकती, गमों आलम की बदली सरों पर छा नहीं सकती, के मेरा ईमान है महशर के दिन वो बख्शवाएंगे, बहुत अच्छे, कभी दोजख में उम्मती मुस्तफा की जा नहीं सकती, कभी दोजख में उम्मती मुस्तफा के जा नहीं सकते, के पत्थर वाले और ना कंकर वाले हैं, पत्थर वाले और कंकर वाले वाले, पत्थर वाले और कंकर वाले वाले, पत्थर वाले और कंकर वाले। ये मिसरे यकीनन आप दुआ से नवाजेंगे, क्योंकि ये मिसरे जो पहुंचा रही हूँ हिंदुस्तान में बहुत ही मकबूल हुए हैं, लोगों ने बहुत से दुआओं से नवाजा है। तवज्जो चाहूंगी तमाम मुझे और फैमिली से, खादिमों से खास तवज्जो। पत्थर वाले और ना कंकर वाले वाले, पत्थर वाले और ना कंकर वाले वाले, पत्थर वाले और ना कंकर वाले वाले, हीरे मोती अजी हीरे मोती, और लंदन को हम क्या जाने, अमरीका और लंदन को हम क्या जाने, अमरीका और लंदन को, हट चल हट हट बाजू हट बाजू, हम लोग मदीने वाले, मदीने वाले हैं, लेकिन भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, अजी भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, याद करो हम लोग 72 वाले हैं, गुल के बदले गुल मांगोगे पाओगे, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, वरना फिर हम लोग खंजर वाले हैं।
अर्श आजम लिखा अर्श आजम पे नाम मोहम्मदी अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जब मैं चलूं तय बाकी जानिब मंजिल बोले नबी नबी 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 बोले नबी नबी के कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी अजी जब मैं चलूं तबा की जानिब मंजिल बोले नबी नबी कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी जब मैं चलूं तैबा की जानिब मंजिल बोले नबी नबी के मरने से मैं डरती नहीं हूँ क्या बात है कत्ल मेरा कर डालोनी अल्लाह हो बच्चे मरने से मैं डरती नहीं हूँ कत्ल मेरा कर डालो अभी शर्त मगर इतनी है मेरी मेरा कातिल बोले नबी नबी हुआ
रब को वास्ता, उस नाम का आदम ने दिया रब को वास्ता, ना मेरा फूल पाक है बख्शिश का रास्ता। तो नबी नबी वो मेरे अता नबी, अता नबी वो मेरे अता नबी, नबी नबी दो जहान मदीने में आए हैं।
सर जमीन पे रहमत के साए नबियों में सबसे अफजल आला है मुस्तफा नबियों में सबसे अफजल आला है मुस्तफा जिन्नो मलक भी नाते नबी गुनगुनाए हैं